मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। मोबाइल वाले, तुमने ठीक ही सुना है। जेबी में। सरोज, तुम यह क्या कर रहे हो? यह मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम एक दिन मुझे जरूर धोखा दोगे। इला, मैं तुझे बीच भावर में छोड़कर खुद डूब गया। तुम यह समझ रही हो मैंने तुझे धोखा दिया? नहीं जिला, मैं खुद धोखा खा गया। यह सब झूठ है, फरेब है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना सब कुछ भूल गई, कुछ भी ना खो सके पा सके। वर्षों से तुम्हारे चरणों की दासी बनने की कामना कर रही थी, लेकिन आज तुमने प्यार निभाने के वादे किए थे, कसमें खाई थी। क्या वह सब झूठ है, नाटक था? उन्हें भूल जाओ शीला, वह सब बातें अतीत की। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मैंने क्या क्या सपने संजोए थे शीला। हो सके तो तुम शादी कर लो। ओ, ऐसी बातें मत कहो सरोज। क्या तुम इसी दम पर मेरी शादी करने का दम भरते थे? अगर मैं जानती कि तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुम्हें भूल कर भी नहीं चाहती। ऐसी बातें नहीं है शीला, मैं ऐसे चौराहे पे खड़ा हूँ, समझ में नहीं आता किधर जाऊँ, क्या करूँ। फिर चार्ज में आए थे, गाना थोड़ी नहीं कोई चाहिए। सरोज, मेरे माता पिता भी मेरी शादी कर रहे हैं। पप्पू भैया, वो मैं शादी नहीं करूँगी। पप्पू भैया, भैया बगल में। तुम अपने साथ मुझे बहुत दूर ले चलो। फोन कर, हर हालत में पासवर्ड में लो ले लीजिए। शीला, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकते? यह हमारी मजबूरी है। ढोंगे, फरेबी, धोखेबाज, मेरे सपने को तोड़ दिया। मजबूरी, और अपनी तुम मजबूरी जाहिर कर रहे हो। शीला, मुझे माफ कर दो, मुझे आवा और जलील मत करो। शायद तुम नहीं समझ सकोगी मेरे दिल पर क्या गुजर रही। फोटो खींच ले। तुम्हारी शादी हो रही है, उसी से यह शादी कर अपना संसार बसा लो। हर पतझड़ के बाद बाहर आती है शीला, मैं न सही कोई और सही। आखिर क्या कारण है सरोज जो तुम मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हो? बहुत बड़ा कारण है शीला, शायद तुम सुन न सकोगी। मैं सब कुछ सुन लूंगी, तुम कहो तो। मैं अंधेरे में भटक रहा था, अब प्रकाश में आ गया हूँ। मैं जिन्हें पिताजी समझ रहा था वह मेरे पिताजी नहीं है, और मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? आज से 17 वर्ष पहले उन्होंने मुझे कलकत्ते के एक अनाथालय से मुझे गोद लिया था। उस समय मात्र मैं 6 वर्ष का था। तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे सीने से लगाए रखा, अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज अपनी पसंद से पता नहीं कहां मेरी शादी कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ शीला, उन देव पुरुष
के अरमानों का गला घोट दूं? शीला तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नहीं सरोज, मैं अपनी खुशियों के लिए दूसरों को खुशियां नहीं छीन सकती। गला मिल जाता है। शीला, तुम सदा सुखी रहो, यही मेरी शुभकामना है। मुझे विश्वास है तुम मुझे भूलकर अपने पति की सेवा करोगी तो मैं समझ लूंगा मेरा प्रेम सार्थक हुआ और मुझे चलने की आज्ञा दो। जा रहा हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं आने का कोशिश करूंगा। जाओ सरोज, मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। बहुत सुंदर, जोरदार ताली हो जानी चाहिए भाई बहनों। बंद कर लीजिए ना, बंद कर लिया। उसे की मतलब अपन मामा से दर्द देखी तो करो हमारे लिए तब मान हरिओम नारायण नारायण। मनोहर लाल जी, समय निकला जा रहा है, फेरे का वक्त हो चुका है, फेरे लगवाइए पंडित जी। अभी नहीं मनोहर लाल जी, रुकिए पंडित जी। क्यों, क्या आप भूल गए 5 लाख देने का वादा? नारायण नारायण, मैं भूला नहीं हूँ। क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे पहले बाकी का रकम दीजिए, फिर विश्वास करूंगा। शर्मा जी, आप फेरे तो पढ़ने दीजिए। जब तक आप रुपये नहीं देते, फेरे नहीं पड़ेंगे। शर्मा जी, यह मेरी इज्जत का सवाल है, आप फेरे पढ़ने दीजिए। क्या फेरे पढ़ने दो? आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं बना वापस ले जा रहा हूँ। ऐसी बातें मत कहिए शर्मा जी, मैं और तू हाथ जोड़ता, अगर बारात वापस ले गए मैं जीते जी मर जाऊंगा। भगवान मत कीजिए शर्मा जी, मनोहर लाल जी, मैं आपका नाटक देखने नहीं आया। आप या फेरे पढ़ने दीजिए, मैं आप जैसे दया की भीख नहीं देता आप जैसे लोगों को। चले जाइए मेरे सामने से, यह शादी हड्डी नहीं होगी पंडित जी। चलो बेटा। यह सब बेकार की बात है मनोहर लाल जी। चलो बेटे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा। क्या आप ही गला शर्मा है?
जी 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 हुजूर। यहाँ आपके नौजवान ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, कैलाश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने मनोहर लाल से 10 लाख रुपया लेकर लड़की की शादी कर रहा है। मैं इसी के पता लगाने के लिए सादे भेद में बहुत पहले से था। आपने यह भी कहा है बारात लेकर वापस जा रहा हूं। जी 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 हुजूर। शर्मा जी, सरकार ने दहेज प्रथा का कानून लागू कर दिया है, इसके जानते हुए अभी तुम दहेज लेकर लड़के के शादी कर रहे हो। आपने सरकार के कानून को तोड़ा है। बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाए सिपाही जी। आए हैं, अरे चार माह का तो खर्चा ले लीजिए। तू मुझे घूस दे रहे हो। मारते मारते अभी हम सिपाही लगा दो हथकड़ी, कल जेल भेजवा देंगे। बहुत सुंदर। अब क्या होगा सरोज, इन 5 वर्षों में तो कपड़े का मिल दिवालिया हो जाएगी बेटा। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, दहेज के चक्कर में मत पड़िए, परंतु आपने मेरी एक न सुनी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरकार ने हम दोनों को 5 वर्षों की सजा दे दी। यह अन्याय है, सरासर जुल्म हुआ है। दहेज लेना कोई जुर्म तो नहीं? पिताजी, मैं तो समझता हूँ हम लोगों के साथ जो भी हुआ है इंसाफ हुआ है। क्या यह क्या तुम कर रहे हो बेटा? मैं ठीक कर रहा हूँ पिताजी। शायद आपको पता नहीं दहेज रूपी भेड़ियों ने कितनी कुमारियों को निगल गया। लेकिन पिताजी, इस समाज के ठेकेदारों ने सब कुछ देखते हुए भी नहीं संभले तो सरकार ने मजबूर होकर यह घिसी पिटी प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। इसके बावजूद आप जैसे लोग चोरी छुपे दहेज का लेन देन कर इस प्रथा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई बड़ा अपराध तो नहीं है?
फिर भी इतनी बड़ी सजा क्यों? इसलिए आप जैसे लोग दहेज जैसे भयंकर राक्षस का नाम लेना छोड़ दे। क्या हम दोनों की सजा से ही दहेज पता खत्म हो जाएगी? अवश्य होगी। हम दोनों की सजा देखकर दहेज लेने वाले लोग एक बात सीखेंगे, दहेज लेना अपराध है। पकड़े जाने पर हम अपने दोनों जैसे चक्की चलाना पड़ेगा। तुम भी ठीक ही कह रहे हो बेटा, मैंने तो पाप किए हैं, इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। अब अपनी व्यापार की बचाने की कोशिश करो बेटा। कल अपना मुंशी मुलाकात करने आएगा, उसे ठीक से समझा देना। मुझे उस पर विश्वास नहीं है पिताजी। खैर, अब तो उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। योरे, तुम लोग काम छोड़कर क्या बकवास कर रहे हो? सिपाही जी, यहाँ तो कोई है नहीं, कुछ चाय पान के लिए लेकर दूसरी कैदी से आटा पिसवा लीजिए। तू मुझे घूस देना चाहते हो? चल काम कर, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। दया कीजिए सिपाही जी, दहेज लेते वक्त तुझे दया आई थी, अब 5 वर्ष तक दोनों बाप बेटे चक्की पीसते रहो, साले सब दौलत का नशा उतर जाएगा। चलाता है चक्की की गर्दन तोड़ू? चलाता हूँ सिपाही जी। अरे कुछ तो रहम कीजिए। साले, काम करता है या लगाऊं दो डंडे? कर रहा हूं। कर रहा हूं सिपाही जी। बहुत सुंदर, जोरदार ताली।